दोस्तों, बीजेपी नेताओं को तो गाय पर ज्ञान पेलते हुए बहुत देखे होंगे कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी वो है, गाय हमारी ये है। लेकिन इस वीडियो को देखो, ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा। और दोस्तों, इनको खास तौर पे आप मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के तौर पर जानते होंगे, क्योंकि ये लगातार जितना हो सके उतना मुसलमानों के खिलाफ उठपटांग बयानबाजी करते रहते हैं। इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि गाय को जब इतनी हत्याएं की जा रही हैं, ठीक है, तो आप गाय के ऊपर एक कानून क्यों नहीं बनाते, गाय हत्या को क्यों नहीं रोक सकते। तो इन्होंने कहा कि गाय हत्या रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गाय पर हम कानून नहीं बना सकते। गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आपको गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते। मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए, हमारा देश में यूसीसी होना चाहिए, गोहत्या बंद होना चाहिए, एनओ सरकार का काम नहीं है भाई। क्यों नहीं बना सकते? 3 तलाक पर कानून बना सकते हो, 370 जैसे कड़े कानून को आप हटवा सकते हो, तो गाय गौहत्या पर तुम कानून क्यों नहीं बना सकते। इसने कहा कि हमें गाय को लेकर देश में एक माहौल बनाना होगा, लेकिन ये गाय पर कानून नहीं बनाएंगे, माहौल बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे? क्योंकि इनको पता है कि गाय पर अगर कानून बन गया तो फिर जो गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो हम लोग हिंसा करवा कर वोट बटोरते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तीनों ने कहा कि गाय को लेकर हमें देश में एक माहौल बनाना होगा, और जब माहौल बनेगा तो ये भड़काऊ भाषण देंगे और फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराएंगे, जो और चुनाव आएगा तो इनको वोट मिलेगा। भैया, एक गाय गौरक्षा पर कानून नहीं बना सकते, ये हाल है। बाकी आप लोग तो कमेंट करके बताओ क्यों नहीं बना। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में, होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आपको गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते। मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए, एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो।